महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। गोंडा के धानीपुर में छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। हालांकि खबरों के मुताबिक पीड़िता ने पहले गैंगरेप का आरोप लगाया था, मगर पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मामला छेड़छाड़ और मारपीट के बाद वीडियो वायरल किया गया था। बताया जा रहा है कि धानीपुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की 23 अप्रैल को ननिहाल अपने मौसेरे भाई के साथ जा रही थी दवा लाने के लिए, मगर रास्ते में चार लड़कों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट की। लड़की के साथ छेड़खानी भी की गई। इसका वीडियो बनाकर इन लोगों ने वायरल भी कर दिया था। वीडियो सामने आने के बाद और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मुकेश तिवारी, नारायण शर्मा, दिनेश तिवारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं इस संबंध में गोंडा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया है कि मामला दो संप्रदाय के बीच का था, मगर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे मामले में संतोष कुमार मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। जनपद गोंडा में थाना धानीपुर अंतर्गत एक महिला के द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें अपनी पुत्री के साथ में छेड़खानी, मारपीट इत्यादि जैसे आरोप लगाए गए थे। इस सूचना पे तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस जो पूरी घटना थी, इसकी जांच कराई गई। इसमें तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें दिनेश, नारायण और मुकेश, इनकी गिरफ्तारी की गई है। यह मामला दो संप्रदाय का था, जो मुकदमा लिखवाने वाले मुस्लिम संप्रदाय के थे और जो ये तीन, जिसमें चार लड़के नामजद किए गए थे जो हिंदू संप्रदाय के थे। इनमें से तीन लड़कों की गिरफ्तारी की गई है, एक नाबालिग है। पूछताछ में इन लड़कों ने यह बताया कि ये जो लड़की थी, एक हाशिम नाम के युवक के साथ पास इस गांव में मंदिर के पास में वहां पे देखा था इन्होंने। इनको आशंका हुई कि ये कोई आपत्तिजनक कार्य करना जा रहे हैं, तो इस पे इन्होंने हाशिम नाम के युवक के साथ मारपीट भी किया और इस महिला के साथ में छेड़खानी इत्यादि भी की। इस कृत्य का इन्होंने वीडियो बना के उसको वायरल भी किया है। इस पे मुकदमा लिख के इन तीन जो लड़के हैं, इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। पीड़िता और उसकी जो वादिनी है, उनसे वार्ता करके उनकी बात को भी सुन लिया गया है और इसमें मेडिकल के आधार पे, 164 के बयान के आधार पे, अन्य भी जो चीजें आती हैं उनकी समाहित किया जाएगा और इस पूरी विवेचना को एडिशनल SP गोंडा वो पूरी जांच करके इसमें खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और हम इसमें ये इंश्योर कराएंगे कि जो सही है न्याय इसमें पूरा किया जाए। फिलहाल तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अग्रिम जो कार्रवाई है, मेडिकल एवं फर्दर जो बयान है, उसके आधार पे की जा रही है।